मुजफ्फरपुर न्यूज के खास कार्यक्रम आज की बात में डॉल्फिन पब्लिक स्कूल के प्राचार्य शैलेंद्र कुमार जी उपस्थित हैं। आइए सर से जानते हैं कि सर, कोरोना काल में काफ़ी लंबी अवधि तक स्कूल बंद रही, अभी 9th-10th की क्लास हो रही है। सर, किस टाइप की परेशानी हो रही है या एज यूजुअल अच्छा वे में स्कूल चल रहा है, बताया जाए सर। सबसे पहले एक बुरा दिन को हम लोग पार किए कोरोना काल को, और अब स्कूल में 9th से लेकर के 12th तक के बच्चे आने लगे, तो उनको पूरी तरह से फिजिकल डिस्टेंसिंग को मेजर में देखते हुए उसको क्लास में बैठाया जाता है। फिर थर्मल स्क्रीनिंग करके ही इन कराते हैं, टेम्परेचर नापते हैं, उसको नोट कराते हैं, सैनिटाइजेशन कराते हैं, और सभी को मास्क अनिवार्य है। आप बीच बीच में ये हाथ को सैनिटाइज करना है, और लंच नहीं लाना है, लंच हम लोग नहीं देते हैं। अभी 1 to 4 पीरियड की पढ़ाई के बाद उनको छुट्टी देते हैं। वाटर बोतल भी घर से ही लाना, जैसे कि गैदरिंग नहीं हो कहीं पर। और बच्चे आ रहे हैं, बच्चे सभी तरह से स्वस्थ हैं, कठिनाई है, लेकिन एक कठिनाई सबसे बड़ी कठिनाई है प्राइवेट स्कूल के लिए। सरकार इसको इस कोरोना काल में यहाँ के टीचर को और न यहाँ के मैनेजमेंट को किसी तरह के वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराया, और वहीं पर सरकारी स्कूल के टीचर्स को विधिवत सैलरी मिलते रहा, वहाँ पढ़ाना भी रहे था, और हम लोग ऑनलाइन क्लास भी पढ़ाए, ऑनलाइन क्लास भी लिए, एग्जाम भी लिए, और गार्जियन को सरकार की तरफ से टाइम टू टाइम पता नहीं पेपर में निकला गया कि गार्जियन को फीस नहीं देना है। अब ये सर बताइए हमको कि प्राइवेट स्कूल गार्जियन के पैसे से चलते हैं, हम लोग केवल मासिक शुल्क चाह रहे थे। जो टीचर कोरोना काल में भी पढ़ाए, ऑनलाइन ही क्लास लिए, तो उनको उनका बाल बच्चा परिवार पेट है सब कुछ, जो जो प्राइवेट स्कूल के सैलरी से ही चलता है। एक तो सैलरी ही काफ़ी कम है प्राइवेट स्कूल के टीचर की, वो भी हम लोग नहीं दे पाए, जिसके कारण बहुत सारे टीचर्स हमारे स्कूल छोड़े, पैसा नहीं दे पाए, जो गार्जियन से नहीं आए पैसे, और गार्जियन मोटिव में भी नहीं। तो अभी भी 9th से 12th तक का जो क्लास खोले हैं वहाँ भी गार्जियन के यहाँ बहुत बकाया है, और हम लोग कह रहे हैं, गार्जियन को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, वो पैसा देंगे तो वो अपना क्लास धीरे धीरे हम लोग चालू किए। इसलिए वित्तीय संकट तो प्राइवेट स्कूल के सामने बहुत है, जिस पर सरकार भी संज्ञान नहीं लिए न गार्जियन, और वो जो है हम लोग इसी दौर को गुजारते हुए। और दूसरी बात रहा सरकारी तंत्र की, सरकार जहाँ इसी तरह की पढ़ाई के लिए व्यवस्था की हुई है अपने स्तर पर सरकारी स्कूलों में, वहाँ सरकार के बच्चे किसी मंत्री या किसी के बच्चे नहीं पढ़ते हैं, वो प्राइवेट स्कूल को ही देखते हैं, या किसी ऑफिसर के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। आखिर क्या कारण है कि वहाँ अपने बच्चे को नहीं पढ़ा रहा है, फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, जहाँ पर कि गार्जियन के पास वहाँ कहते हैं पैसा नहीं लीजिए, टीचर को मत दीजिए। तो ये कहाँ का न्याय संगत है ये बात, जहाँ आप अपने बच्चे को खुद नहीं पढ़ाते हैं। सरकार में जितने भी लोग हैं उनसे हमको ये पूछना है इस बात का कि आप अपने बच्चे को उस सरकारी स्कूल नहीं पढ़ाते जहाँ टीचर को 35,000-40,000 सैलरी है, क्यों? इसका भी जवाब चाहिए, क्यों नहीं पढ़ाते वहाँ जब उतनी सैलरी देते हैं, तो उसकी पढ़ाई और अच्छी होनी चाहिए। और जितने ऑफिसर्स वर्ग में है या व्यापारी वर्ग जो भी है, समाज के सब लोग चाहते हैं कि प्राइवेट स्कूल में ही पढ़ाए, और आज हम महसूस भी करते हैं कि आज प्राइवेट स्कूल अगर शिक्षा को नहीं अपने हाथ में लिए रहता, शिक्षा समाज का ही काम है और ये देश के लिए ही काम किया जाता है, अगर ये नहीं लिया जाता तो बिहार या भारत के नागरिक आने वाले भविष्य में कैसे होंगे, इसका कल्पना आप कर सकते हैं। तो जो भी शिक्षा बचा हुआ है बिहार में, खास करके हम देखते हैं बिहार उत्तर प्रदेश के सब में, तो प्राइवेट स्कूल के भरोसे ही बैठा हुआ है, और प्राइवेट स्कूल का के टीचर का कैसे काम चलेगा या उनकी वित्तीय हालत क्या रही कोरोना में, कोई सरकार इस पर सुधि लेने वाले नहीं हुए, ना सक्षम हुए न इस पर सोच लगाए। यह हमको बड़े अफसोस की बात है, क्योंकि शिक्षक जो है राष्ट्र निर्माता है, मतलब आज का बच्चा कल देश के नागरिक है, लेकिन उस नागरिक को तैयार करने वाले जो शिक्षक है वो भूखे रह करके, बहुत सारे शिक्षक आज हमारे कपड़ा दुकान में काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको पैसा नहीं मिला, पेट चलाना है, तो शिक्षक शैक्षणिक कार्य छोड़ के कपड़ा दुकान या दूसरे व्यवसाय में भाग रहे हैं। कल इस प्राइवेट स्कूल में टीचिंग करने के लिए कौन आएंगे, इस तरह की व्यवस्था को देखना भी तो हम ये हम ही लोग का, सामाजिक लोग का काम है। इसलिए हम सरकार से आग्रह करेंगे कि इस सब प्रति थोड़ा सा वो जागरूकता दिखाए, जिससे कि प्राइवेट स्कूल भी जो आपके देश के शिक्षा नीति को या देश के नागरिक को तैयार कर रहे हैं वो सही रूप में चल पाए, यही सरकार से हमारा आग्रह है।
और हम कोशिश करेंगे कि आने वाला समय में जैसे 9 से 12 तक क्लास चल रहा है तो 1 to 8 भी सरकार खोलने की अनुमति दे, जिससे कि बच्चे का साल भर पढ़ाई बाधित हुआ है। ऑनलाइन कितना भी क्लास होगा, बच्चे हमारे ऑनलाइन के लिए प्रशिक्षित नहीं थे, ना यहाँ के टीचर थे, तो वो ऑनलाइन क्लास का फायदा जो होना चाहिए बच्चा को वो नहीं मिल पाया। हम समझते हैं कि मुश्किल से 20 से 30% ही वो नॉलेज गेन कर पाएगा ऑनलाइन क्लास में, और ऑफलाइन क्लास का अनुमति सरकार को अब देना उचित है, क्योंकि 9 से 12 तक में ऐसा कोई हम लोग केस नहीं पाया है जहाँ पर किस तरह की